तो मेरा नाम हरीश है। आज हम गूगल शीट के एक इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे जो है गूगल ट्रांसलेट। ये गूगल शीट का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जो कि हमें अपने टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में मदद करता है। ठीक है, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश में हो या इंग्लिश से हिंदी में हो या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो। इन लैंग्वेज में अगर हमें ट्रांसलेट करना हो इन्हीं लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज हैं, अगर मुझे किसी और लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश की कोई लैंग्वेज है उसे मुझे हिंदी में मतलब चेंज करना है या फिर और कोई भी अदर लैंग्वेज में चेंज करना है, तो उसके लिए बस मुझे उनका ये कोड पता होना चाहिए। मैं इजीली उन्हें गूगल ट्रांसलेट की मदद से चेंज कर सकता हूँ। तो इसका डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये हमारा टेक्स्ट को चेंज करने के लिए है अदर लैंग्वेज में, और सिंटेक्स आप देख ही पा रहे होंगे इसे यहाँ पर। तो आइए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन को हम टाइप कर लेते हैं एक बार, देन टेक्स्ट, कि किस टेक्स्ट को आपको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, पूछता है सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज का मतलब किस, जो आप इसे टेक्स्ट दे रहे हो ये वाला टेक्स्ट, वो किस सोर्स में है। तो अभी ये जो हमारे पे सोर्स है वो है इंग्लिश का, तो मैंने उसके लिए शॉर्टकट लिख दिया उसका, जो मैंने आपको कोड यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो मैंने वो कोड लिख दिया इंग्लिश। अब ये पूछता है टारगेट लैंग्वेज, कि आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या है। मैंने बोला मेरी टारगेट लैंग्वेज है वो है हिंदी। ठीक है, तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और जैसे ही मैं सब एंटर करूँगा तो ये देखिए सर थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। अब ये आ गया। अब यही मैं सबके साथ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये सारे हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके हैं। ठीक है, आपको कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, जैसे कि आपको इटालियन में चेंज करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर हिंदी कोड दिया था मैं उसे बस हटाकर इटालियन का कोड दे देता हूँ। जैसे मैं इसे एंटर मारता हूँ तो ये देखिए ये इटालियन में लिखा हुआ आ गया। तो गूगल शीट का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये कुछ लैंग्वेज के कोड की लिस्ट है, इससे आपको मदद मिल जाएगी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। ठीक है,